मैंने अपने सेकंड चैनल में वीडियो अपलोड कर दी है, जिन्होंने नहीं देखी है जाकर देख लेना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज जो चीज मैं अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करके आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही यूजफुल होने वाली है हमारे लिए। तो दोस्तों, जैसे अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं करी है और गाड़ी के शीशे बंद है चारों तरफ से, तो क्या होता है कि ऐसे अंदर गाड़ी में हमें गर्मी लगती है, तो हम बंद गाड़ी में एसी तो चला नहीं सकते। और दोस्तों, हम कई बार ये भी सोचते हैं कि एसी को कम यूज करें जिससे हमारा पेट्रोल सेव हो और गाड़ी माइलेज भी अच्छा निकाले। और बंद गाड़ी में भी कई बार हमें बैठना पड़ जाता है, किसी का वेट करना है या फिर कोई आपका बंदा सामान लेने गया है, आप गाड़ी में बैठे हो, तो उतनी देर बंद गाड़ी में बिना एसी के नहीं बैठा जाता। तो उस टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और प्लस दोस्तों, जब हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तब भी इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है हमारी गाड़ी में। तो वीडियो में बने रहे, पूरा इंस्टॉलेशन और रिव्यू सब कुछ बताऊंगा आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अलग चीज लेकर आया हूँ गाड़ी के लिए, क्योंकि कई बार मैंने अपनी गाड़ी में प्रॉब्लम फेस की है इस चीज की, तो मुझे लगा कि ये चीज मुझे अपनी गाड़ी में लगानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बॉक्स को खोलकर दिखा देता हूँ। तो बॉक्स के अंदर हमें ये मेन कंटेंट मिल जाता है और यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर दो डबल साइड टेप मिलती है हमें कुछ इस तरीके की। तो मैं इस बॉक्स को यहाँ से हटा देता हूँ पहले, और जो हमारा मेन कंटेंट है इसके रैप को भी यहाँ से निकाल देता हूँ और इसको भी पीछे साइड पे फेंक देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, मैंने अपनी गाड़ी के लिए एक पोर्टेबल फैन मंगाया है और इसमें हमें यहाँ पर ड्यूल फैन मिल जाते हैं। और इसके अंदर जो ये दोनों फैन लगे हुए हैं, इसमें दोनों में ही आपको 360 डिग्री रोटेशन मिल जाता है दोनों फैन के अंदर ही। यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने दोनों ऐसे घुमा दिए, आपको ऐसे भी 360 डिग्री का इसमें रोटेशन मिल जाएगा और ऐसे भी आपको इसमें 360 डिग्री का रोटेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात इसमें यही होती है कि आपको इसमें जो रोटेशन है वो 360 डिग्री का मिल रहा है, क्योंकि हम इसको कहीं पर भी प्लेस करेंगे तो मनचाहा इसको अपनी तरफ रोटेट कर सकते हैं, या हम दूसरी साइड भी इसको रोटेट करके और इसकी हवा का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ा डिवाइस लग रहा है वैसे तो, आप देख सकते हो मैंने दोनों हाथों में लिया हुआ है, तो हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा डिवाइस होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा और इसका रिव्यू भी बताऊंगा कि इस वाले फैन को अपनी गाड़ी में लगाकर क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और दोस्तों, आप बोलोगे कि हमारी गाड़ी में तो ऑलरेडी एसी और ब्लोवर फैन लगा हुआ है तो इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, कई बार मैंने अपनी गाड़ी में ये प्रॉब्लम फेस की है कि जैसे ही हमारी गाड़ी धूप में खड़ी रहती है और हम अपनी गाड़ी के अंदर आगे बैठते हैं, तुरंत ब्लोवर फैन को ऑन करते हैं और एसी को भी ऑन करते हैं, लेकिन दोस्तों जब तक गाड़ी ठंडी होने तक आती है तो कुछ देर तक तो हमारे कार के एसी वेंट से ही गर्म हवा निकलती है, जो कि हमें और भी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। और दोस्तों, जरूरी नहीं होता है कि हम हर जगह ही गाड़ी की एसी ऑन रखते हैं, क्योंकि कई बार हमें अपने माइलेज को भी देखना पड़ता है, पेट्रोल भी महंगा हो चुका है तो पेट्रोल को भी देखना पड़ता है। और दोस्तों, एसी वेंट्स का जो ब्लोवर फैन होता है वो बिना एसी के उतनी तेज़ हवा नहीं दे पाता है जितनी हमें गर्मी में चाहिए होती है। और दोस्तों, अभी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हो सकता है आपको आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की। और दोस्तों, आप चाहो तो अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ पर जहाँ पर मैंने अभी परफ्यूम माइक लगाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारे ऑलरेडी एसी वेंट होते हैं, तो जब हम अपने ब्लोवर फैन को ऑन करेंगे तो यहाँ से तो हमें हवा मिल ही जाएगी, तो फिर इस फैन को डैशबोर्ड पर लगा कर क्या फ़ायदा, क्योंकि हमें जो मिलने वाली हवा है वो एक ही डायरेक्शन से हमें मिलती रहेगी इधर से। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इस पोर्टेबल फैन को मैं दूसरी ऐसी जगह पर इंस्टॉल करूँ ताकि मुझे एक तरफ से तो एसी वेंट से हवा मिले और दूसरी साइड से हमारा ये पोर्टेबल फैन हवा दे, तो हमें उतनी ज्यादा गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो मैं इसको डैशबोर्ड पर नहीं इंस्टॉल करने वाला हूँ। आप अगर चाहते हो डैशबोर्ड पर इंस्टॉल करना तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसमें यहाँ डबल साइड टेप लगाकर और इसको डैशबोर्ड पे चिपका देना है। ठीक है, और मैं इस पोर्टेबल फैन को अपनी गाड़ी के रूफ पर इंस्टॉल करने वाला हूँ इस जगह पर। और इसको इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पर मैं इसमें टेप लगा दूंगा, जो इसके साथ ये टेप आई है, तो इसको सिंपली एक साइड से मैं निकाल लेता हूँ इसकी टेप को कुछ इस तरीके से। और इसको कहाँ पर लगानी है, इसमें दोनों साइड ये फ्रेम बनाया गया है, इस फ्रेम के अंदर इस डबल साइड टेप को आपको लगा देना है, इस फ्रेम के अंदर आपको इस टेप को लगा देना है कुछ इस तरीके से। और ऐसे ही दूसरे साइड वाली जो टेप है उसको भी निकाल लेता हूं मैं और यहां पर लगा दूंगा इस फ्रेम के अंदर। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से दोनों साइड की टेप हमारी लग जाएगी और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना
ताकि अच्छे से ये चिपक जाए वहाँ पर। तो दोस्तों इस फैन को यहाँ पर लगाने से पहले थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेना, अगर डस्ट वगैरह लगी होगी तो उसको हटा लेना। मेरा यहाँ पर रूफ़ पहले से ही साफ़ है तो ज़्यादा मैं इसको साफ़ नहीं करूँगा, ऐसे ही इस पर लगाऊँगा। तो जो इसके पीछे ये डबल साइडेड टेप लगी हुई है, इसके रैप को यहाँ से मैं निकाल दूँगा कुछ इस तरीके से, और दूसरे साइड वाले को भी निकाल दूँगा यहाँ से। और टेप को हटाने के बाद इसको बिल्कुल सेंटर में चिपकाऊँगा मैं। एक बार सेंटर देख लेता हूँ मैं, क्योंकि सेंटर में लगा हुआ ही अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वो देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, बाकी होगा तो कुछ नहीं। और मैं इसको यहीं पर अच्छे से इसके ऊपर दबाव डाल के इसको चिपकाऊँगा। तो दोनों साइड जो टेप हमारी इसमें लगी हुई है उसको अच्छे से प्रेस करना है, दबाव डालना है, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल बढ़िया से चिपक जाए इसकी टेप। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये हमारा फ़ैन यहाँ पर चिपक गया है। और जब भी हमें कभी डायरेक्शन इसका चेंज करना होगा तो हम एक हाथ से ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी फ़ैन को। ये देख सकते हो यहाँ पर, अगर इसकी टेप थोड़ी भी ख़राब होती तो हम अगर फ़ैन को छेड़ते तो ये तुरंत ही यहाँ से उतर जाता और उतर के हमारे हाथ में आ जाता। और इस बटन से यहाँ पर फ़ैन की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं इसकी पहले पोजीशन को सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इस फ़ैन को चला के भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो मैं दोनों फ़ैन ही अपनी तरफ कर लेता हूँ पहले, और इस बटन से मैं फ़ैन को ऑन करता हूँ तो ये फर्स्ट स्पीड मोड है इसका और ये सेकेंड स्पीड मोड है। और अभी बहुत तेज़ ये चल गया पंखा और बहुत ही अच्छी हवा दे रहा है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों मैंने अपने सेकंड चैनल पर जो न्यू वीडियो अपलोड करी है उसको जाकर ज़रूर देखना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।